एक ऐसा गांव जो कि पूरी तरीके से विकसित होकर भी आज वीरान है, ना एक इंसान है ना दूर दूर तक कोई भी आहट। क्या आप सोच सकते हैं इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? अगर हम कहें कि मात्र एक लड़की, तो आप विश्वास करेंगे? ये कहानी है दरअसल एक ऐसे शापित गांव की, जहां पर एक लड़की की वजह से एक सुनसान रात को पूरा का पूरा गांव सिर्फ कुछ ही देर में खाली हो गया। ये लोग कहां गए, कैसे गए, इसका कोई भी निशान नहीं मिला। निशान के नाम पर अगर कुछ मिला तो रेत, स्याह अंधेरे में हाथ से फिसलती हुई ठंडी रेत। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गर्मियों में तपते लेकिन बेहद ही खूबसूरत स्टेट राजस्थान के सबसे खूबसूरत शहर जैसलमेर के बारे में, जिसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। शहर की बड़ी बड़ी इमारतों से लेकर शहर की हर एक चीज येलो कलर में होने की वजह से सूरज की पहली किरण पड़ते ही पूरा शहर ऐसे चमक उठता है जैसे मानो किसी ने सोने की खान पर रोशनी कर दी हो। ये खूबसूरत घटा देखते ही बनती है। यहाँ से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा कुलधरा गांव अपने अंदर आज भी कई ऐसे रहस्यों को समेटे हुआ है जो कि सबको हैरान करता है। यहाँ जाने वाले लोग बताते हैं कि उन्हें गांव के अंदर जाते ही एक अलग सी एनर्जी का एहसास होने लगता है। लोग बताते हैं चाहे शहर का तापमान कितना भी ज्यादा हो, लेकिन यहाँ अलग ही तापमान में गिरावट महसूस होने लगती है। और कई बार तो लोगों को ऐसा भी महसूस होता है जैसे उनके आस पास कोई है। औरतों के बोलने बतियाने और हंसी ठिठोली करने की आवाजें आना यहाँ आने वाले लोगों के लिए बड़ी आम सी बात है। यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों और इतिहासकारों की माने तो लगभग 1291 ईस्वी में जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा इस गांव को बसाया गया था, जो कि काफी डेवलप और अच्छे से बसाया गया था। इस गांव के लोगों ने यहां पर पशुपालन के साथ साथ खेती भी करी और कई कुएं और बावड़ी का भी निर्माण किया था जो कि आज भी देखे जा सकते हैं। ये लोग काफी हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन इनके जीवन पर सलीम सिंह नाम का वो ग्रहण लग गया जिसने इस हंसते खेलते गांव को एक वीरान रेगिस्तान में बदल दिया। लोग ऐसा बताते हैं कि जब यहाँ का दीवान सलीम सिंह था तो वो काफी क्रूर था और उसी की वजह से ये पूरा गांव खाली भी हो गया था। उसके क्रूर होने की वजह से एक सबसे बड़ी वजह उसका बचपन भी था, जहाँ पर उसकी आंखों के सामने उसके पिता का सर धड़ से अलग कर दिया गया था। तब से सलीम के अंदर से दया भाव खत्म ही हो गया। दरअसल जब एक बार दीवान कुलधरा गांव का दौरा कर रहा था तब उसकी नजर पुजारी की बेटी पर पड़ी जो कि काफी खूबसूरत थी, और उसे देखने के बाद उसने कई प्रयत्न किए पुजारी की बेटी को पाने के लिए, लेकिन वो सब में नाकामयाब रहा। उसने कई बार पुजारी की बेटी को उठवाने की भी कोशिश करी, लेकिन वो इसमें भी कामयाब नहीं हो सका। तंग आकर उसने गांव पर कई तरह के लगान लगाए, लेकिन जब पालीवाल ब्राह्मण उसके आगे फिर भी नहीं झुके तो उसने थक हार कर गांव में एक संदेश भिजवा दिया कि अगर पूर्णमासी की रात तक वो लड़की उसकी हवेली तक नहीं पहुंची तो वो अपनी पूरी सेना के साथ उस गांव पर हमला कर देगा। जिसे सुनकर गांव के बाकी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए और इसका कोई उपाय ढूंढने लगे। लेकिन तब के लोगों में और अब के लोगों में एक फर्क जो नजर आया वो ये था कि परेशानी का हल ढूंढने के नाम पर उसमें से किसी को भी अपनी सलामती के नाम पर लड़की की इज्जत का सौदा करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। काफी सोच विचार के बाद सबने ये फैसला लिया कि वो ये गांव ही छोड़कर चले जाएंगे, और बिना किसी देरी के कुछ देर के ही अंदर उन्होंने चुपचाप पूरा गांव ही खाली कर दिया। गांव से जाते जाते उन लोगों ने श्राप भी दे दिया कि जो भी यहां पर बसने की कोशिश करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। और तब से लेकर अब तक इतिहास गवाह है कि कोई भी यहां पर बस ही नहीं पाया है, और जिसने भी ऐसी कोशिश करी है दोबारा लौट कर नहीं आया है। साल 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग भी यहां पर गए थे, जिन्होंने यहां पर कुछ नेगेटिव एनर्जी के होने की बात भी मानी थी। इतिहासकार बताते हैं इस गांव के लोग यहां से जाकर अलग अलग जगहों पर तो बस गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए इस गांव को सुनसान, वीरान, अकेला और शापित। तो इस गांव के बारे में क्या आप पहले से जानते थे, कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।